सुन लिया महाराज, एक जन्म की का तुम्हारे सातों जन्म तक कोई सत्ता नहीं है। राजा को क्रोध आ जाता है, दसों ब्राह्मणों की चेयर छुटवा कर बख्शी में डलवा देता है, स्वयं ईश्वर से डोर लगा जाता है। इधर जब भगवान का सिंहासन हिलता है तो भगवान देव ऋषि नारद को बुलाते हैं और कहने लगे, चले जाओ मंजिलों में देखकर आओ ऐसा कौन सा तपदारी हो गया जो हमारा सिंहासन नीचे को जा रहा है। ब्रह्मा पुत्र नारद चलते हैं और भ्रमण करके आते हैं और कहने लगे, महाराज अबे हम तुमसे कोई बात कहते हैं ऐसी तो तुम उठे हो और सीधे भाई दे कैसे महाराज जाए तुम दे दो इतने दे दे आलम कैसे ढेर पड़ोसी तो जान फाग जाके घर में कितने मोड़ी मोड़ा है न तो लगी नाक पहुंच पाए न चट्टी बनियान जोड़ पाए न अच्छे स्कूल पढ़ाए पाए। महाराज जाए तुम देते ना तक चुखरियो में दे मंजिलों में एक महाराज जयवर सिंह एक पुत्र की खातिर आपसे ही डोल लगी है तो आज भगवान स्वयं बूढ़े से ब्राह्मण बनकर चल देते हैं और राजा की कचहरी में आ जाते हैं। राजा आसन दिलवा देते हैं और ब्राह्मण आते ही आते कहने लगे, महाराज ये तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी है, इसका क्या कारण है? कारण भैया महाराज कारण ये है, हमने काशीपुरी से महाराज 10 ब्राह्मण बुलवाए तो ब्राह्मण बोली की गोली मार कर गए। क्या कह के गए ब्राह्मण? कह के गए हैं, अरे राजन तेरे एक जन्म का तेरे सातों जन्म तक कोई संतान नहीं है, मेरे चेहरे पर उदासी है। राज, 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 राज। हमारी पत्रा में तुम्हारे लिए बहुत तेरे नाती और बहुत तेरे बेटा थोड़े बहुत गिनती महाराज गिनती का जब कतई है ही ना तब है कम से कम 9 लाख महाराज 9 लाख बेटी बेटा बता रहे हो दुनिया के झूठा मर गए महाराज पर तुम्हें दैया एक जना बुखार नहीं ना हो। क्या बताए रे महाराज दुनिया के झूठा भर गए झूठा भर गए तो हम पे का फर्क पड़ेगा रही हमारी भैंसिया तो भैया दीपू के निमरत वाले झूठा नहीं महाराज झूठा झूठा 10-20-50 होते तो हम मान लेते 9 लाख बेटी बेटा बता रहे हो हमारी रानी बाछल ये वाली ये नकारे बैठे।